हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है ये लेसन फर्स्ट का अभ्यास प्रश्न है और 100% इस अभ्यास प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी था बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, जो आंसर करेक्ट है वही, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती है, तो वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। अगला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सजीव वस्तुएं कहलाती है, तो आपने अगर बुक देखा होगा तो उसमें गलत दिया है, बट सजीव वस्तुएं कहलाती है जो श्वसन क्रिया करती है उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो सजीव के प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसके बारे में आपको तो लिखना नहीं है, बस आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट की इसकी आकार एवं आकृति, सेकंड होता है कोशिकीय संरचना होती है, जीव द्रव्य प्रचलन एवं गति होती है, पोषण होता है, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, वृद्धि होती है, उत्तेजनशीलता होती है, ठीक है। तो ये आप 100 लिख देंगे कि सजीव के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, तो अति लघु पूछा है तो केवल और केवल आप 10 ये पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जंतुओं तथा पौधों में कोई एक अंतर बताइए, ठीक। तो केवल एक अंतर पूछा है, तो आप एग्जाम के टाइम कॉपी में केवल एक अंतर लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ 3 लिख दी हूँ, क्योंकि अगर आपको 1 लिखूँगी क्या पता याद रहेगा या फिर नहीं, लेकिन अगर 3 रहेगा तो आपको आसानी के साथ एग्जाम के टाइम याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जंतुओं और पौधों में अंतर पूछा है, तो सबसे पहले पौधों और जंतुओं, तो पौधों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है और ये काफ़ी ऊँचाई तक बड़े हो जाते हैं, लेकिन जंतुओं में उनके कुछ ऊँचाई तक ही बड़े होते हैं। नेक्स्ट होता है कि पौधों में संवेदना शक्ति पाई जाती है, लेकिन पौधे संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। सेकंड, जंतुओं में भी संवेदना शक्ति अधिक पाई जाती है, ठीक, और ये जो अपना संवेदन शक्ति है वो प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा जंतु और पौधे को। अगला अंतर जो है कि पौधों प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, बल्कि जब जो जीव होता है उनके लिए प्रकाश उतना आवश्यक नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपका अंतर हो गया पौधों और जंतुओं में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जंतुओं और पौधों में क्या समानता है, कोई एक उदाहरण दीजिए। अभी तक क्या था कि उनके अंतर के बारे में बताइए, तो हमने अंतर जान लिया, तो चलिए अब जानते हैं समानता क्या क्या है पौधों और जंतुओं में। तो जंतुओं और पौधे, जंतुओं के जीवन काल बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक, और पौधों को भी जीवन काल बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब दोनों की जल की आवश्यकता पड़ती है। फिर सेकंड आपका हो जाएगा कि जंतुओं में रोग लगते हैं और अधिक रोग फैलने से ये नष्ट हो जाते हैं या फिर ये इनकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड जो आपका पौधा है कि पौधों में भी रोग लगते हैं और अधिक फैलने पर ये नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जंतुएं मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं और पौधों भी, क्योंकि पौधे जैसे कि मान लीजिए जो हमें खाद्य पदार्थ देते हैं, अनाज, ठीक, चना, मटर, ये सब क्या है, पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये समानता हो गई। जैसे उदाहरण पूछा है तो उदाहरण में आप लिख सकते हो कि जीव जंतु मनुष्य के लिए खाद्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, और सेकेंड कि मानव जीवन में पौधों की अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे पौधों से इमारती लकड़ी, खाद्य पदार्थ आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका जंतु और पौधों से लाभ और प्लस इनमें क्या क्या समानता है, ये भी आपको पता लग गया। और इसमें से आपके एग्जाम में या फिर अंतर पूछ देगा या फिर समानता, ये तो तय है कि जरूर पूछेगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच को कड़ी को क्या कहा जाता है, तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, तो वायरस कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग अनुकूलन सहायक होते हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आप लिख सकते हो कि मछली के जल में रहने के लिए सहायक अंग हेडिंग हो जाएगा, और आप लिख सकते हो गलफड़ा धारा रेखित शरीर।
अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। और सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, बहुत ही अहम प्रश्न है। तो जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिनमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिनमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण भी पूछा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पूछा है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपका जो हो जाएगा, हवा और पानी, ये हमें प्रकृति के रूप से मिला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कृत्रिम वस्तुएं भी इसको बोलते हैं। तो मानव निर्मित वस्तुओं से अभिप्राय यह है कि मानव निर्मित वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती है, अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है, उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप प्लास्टिक, तो चलिए जान लेते हैं प्लास्टिक, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि प्लास्टिक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसे हम दोबारा पिघलाकर उसकी नई आकृति दे सकते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका पॉलीविनाइल। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे PVC भी बोला जाता है। क्या? PVC। ठीक, तो थर्मोप्लास्टिक हो जाता है। लेकिन जो थर्मोशेटिंग प्लास्टिक होता है, इसको हम दोबारा मतलब पिघलाकर नहीं बना सकते हैं, वो आपका आ जाता है यूरिया, और इसमें आपका कांच आ जाता है, ये मानव निर्मित द्वारा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, प्लास्टिक, कांच। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वो अभी हमने जो डिस्कस किया, वो आपका उसका लक्षण था। ये पूछा है कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सजीव वस्तु से तात्पर्य है कि जिसमें जीवन चक्र पाया जाता है, वे सजीव वस्तुएं कहलाती है। आप इतना भी लिख दोगे, अगर अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, बट यहाँ आपका लघु उत्तरीय तो आप लिख सकते हो कि ये भी लिखोगे, और फिर लिखोगे वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है सजीव वस्तुएं कहलाती है, जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास जीवन चक्र चलता रहता है, मतलब जीवन भर चलता रहता है। ठीक, तो वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, वे सजीव वस्तुएं कहलाती है। जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है, तो वे सजीव वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो वृक्ष और जानवर, ये सभी क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। तो फिलहाल ये आपका लेसन 1 का था, और इसमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले लेसन में, क्योंकि अगर आप लेसन वाइज डिस्कस करोगे, और ये जितने भी आपके प्रश्न थे मैंने बुक से लिया है, ठीक, क्योंकि सीरीज़ तो पूरा आई थिंक ख़त्म ही हो गया है, तो ये बुक से डिस्कस किया है, और बहुत ही IMP है, आप अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा। मात्र 10 मिनट लगेगा इसको, क्योंकि ये इतना हार्ड भी नहीं है, और आसानी से आपका लेसन 1 रेडी हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो नाम है आपका वनस्पति, शायद यही नाम है। ठीक, और बहुत बड़ा वो लेसन है, और उसमें से आपके एग्जाम में आई थिंक 5 से 6 प्रश्न उस लेसन से, जो आपका दूसरा लेसन है, पूछा जाएगा। ठीक, तो ये भी लेसन इंपॉर्टेंट है, प्लस सेकंड लेसन भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब एक बात और, क्योंकि ये सवाल आ रही है कि मान लीजिए अगर यही आपका सवाल पूछ दिया जाए, क्योंकि ये सवाल आ रहा है कि अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं और अति लघु या फिर लघु उत्तरी में पूछे और केवल एक ही शब्द का है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन गाइस, जो ऐसा सवाल वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ऊपर लिखता है 30 वर्डों में, ठीक, 50 वर्डों में, वो ऐसा सवाल बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है। अब वे क्योंकि प्राकृतिक वस्तु में, तो आप केवल ये उदाहरण थोड़ी ना लिखोगे या फिर कोई एक शब्द, तो वो ऐसा सवाल पूछता ही नहीं है जिसमें केवल एक ही आंसर हो। ठीक है, वो पूछेगा भी तो वो कहेगा कि इसके बारे में उल्लेख कीजिए, तो आपको एक शब्दों में लिखकर नहीं आना है। ठीक है, फिलहाल आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।